Good morning students. Today we will start a new chapter from our physics syllabus, that is chapter 8, motion. Now first of all, what is motion? Dekhiye, an object is said to be in motion when its original position changes with respect to time. So I can write an object is said to be in motion when its original position changes with respect to time. अगर किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, या हम उसे रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, अगर वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, और ये मेरी ओरिजिनल इनिशियल स्टार्टिंग फर्स्ट पोजीशन है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, अब टाइम के साथ साथ ये ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो रही है, पहले वो थी, अब मेरी पोजीशन ये हो गई, इट मीन्स आई एम इन मोशन. तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, it means that object is in motion. Now what do you mean by state of rest? State of rest is just the opposite of state of motion. State of rest state of motion ka just opposite hai, means an object is said to be at rest when its original position does not change with respect to time. एक object को हम rest में तब कहेंगे जब उसकी original position, initial position, उसका reference point वो का वही रहे, time के साथ change ना हो. तो it means object is at rest. और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑब्जेक्ट हियर एंड दिस इज माई ओरिजिनल इनिशियल पोजिशन, माई रेफरेंस पॉइंट विच इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये मेरी ओरिजिनल पोजिशन है, इनिशियल पोजिशन है, रेफरेंस पॉइंट है, जो टाइम के साथ देखिए नहीं चेंज हो रहा, इट मीन्स नाउ आई एम एट रेस्ट. ठीक है, तो मैं रेस्ट में हूं, स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं. ठीक है, या फिर कह सकती हूं आई एम अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे. ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज. मीन्स देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल यानी इनिशियल पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आप कह दोगे कि भाई ये तो रेस्ट में नहीं बल्कि मोशन में है. ध्यान रखिएगा, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे मेरा हो रहा है, इसका मतलब मैं मोशन में हूं. ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि मैं मोशन में हूं क्योंकि मेरी ओरिजिनल पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है. लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरे मोशन को डिस्क्राइब कैसे करोगे, कि मैंने कितना मूव किया, किस रेट से मूव किया, ये बताओ, तो अपने मोशन को और एक्सप्लेन और डिस्क्राइब, उसके बारे में और बताने के लिए
मुझे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है, जैसे मैंने कितना मूव किया, इसके लिए मुझे फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिससे मैं बता पाऊंगी कि मैंने कितना मूव किया, या आप बता पाओगे कि मैंने कितना मूव किया, ठीक है। फिर मुझे फिजिकल क्वांटिटीज स्पीड, वेलोसिटी की जरूरत है, जिससे मैं या आप बता पाएंगे कि मैंने किस रेट से मूव किया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को और डिस्क्राइब करने के लिए कि उसने कितना मूव किया, किस रेट से मूव किया, इसके लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। सो आई कैन कंक्लूड दैट वी नीड सम फिजिकल क्वांटिटीज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सच एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा। और इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको बताई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, और इन सबको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन टू गेट डिस्क्राइब्ड और कैलकुलेटेड। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब या कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें अगर आपको डिस्क्राइब करना हो या कैलकुलेट निकालना हो तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की जरूरत है, जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, इस तरह से मैग्नीट्यूड वैल्यू की जरूरत है, ना कि डायरेक्शन की, नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस और स्पीड, कभी भी अगर आपको डिस्टेंस या स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्क्राइब करनी है, तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, ना कि डायरेक्शन। कैसे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू गेट डिस्क्राइब्ड और कैलकुलेटेड। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें डिस्क्राइब या कैलकुलेट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की तो जरूरत होती ही है और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिन्हें कैलकुलेट या डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 इसकी तो जरूरत है ही, और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि लेफ्ट है कि राइट है, कि नॉर्थ है कि साउथ है, कि ईस्ट है कि वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें अगर आपको कभी भी डिस्क्राइब या कैलकुलेट करना हो तो आपको मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी, तभी आप इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट, मेजर
या फिर डिस्क्राइब कर पाओगे. सो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, यहां पर मैंने स्केलर क्वांटिटी के आगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखा है, मैग्नीट्यूड पे टिक किया है और डायरेक्शन पे क्रॉस किया है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं. और वेक्टर क्वांटिटी के आगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे टिक किया है, यानी दोनों की जरूरत है. ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू गेट डिस्क्राइब्ड और कैलकुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एंड स्पीड. एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विच नीड्स मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन टू गेट डिस्क्राइब्ड और कैलकुलेटेड, सच एज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. नाउ अब हम वन बाय वन करके सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ रही हो, चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ रही हो. इसमें सबसे फर्स्ट है डिस्टेंस. नाउ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज डिस्टेंस? इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट जो भी पाथ कवर कर रहा है, उसका जैसा भी पाथ है, चाहे वो आगे से और आगे जा रहा है, चाहे आगे से पीछे आ रहा है, या साइड में जा रहा है, या बार बार साइड बदल रहा है, कोई सा भी पाथ क्यों ना हो, उस पूरे पाथ की टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे. सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी जा रहा है, दैट इज 5 मीटर. तो उसका टोटल पाथ है ए बी, जिसकी लेंथ है 5 मीटर, तो डिस्टेंस है 5 मीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, फिर बी से उसने टर्न बैक किया, वापस ए पे आया, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हुई. तो उसका टोटल डिस्टेंस के लिए देखिए टोटल पाथ क्या है, ए टू बी यानी ए बी प्लस बी टू ए यानी बी ए, ए बी प्लस बी ए, 5 + 5 कितना हो गया 10 मीटर. ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, डिनोटेड विद स्मॉल एम. सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर डिस्प्लेसमेंट एंड वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.